नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर लैब बरवाला पर स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी वीडियो है, इसके अंदर हम बात करेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में हमें जो सावधानियां रखनी होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जब मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मेरे को घर से शिफ्ट किया गया तो क्या क्या सावधानियाँ मैंने रखी, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का लिंक आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, ट्रांसप्लांट के बाद में हमारी कुछ मेडिसिन चलती है जो हमारे इम्यून सिस्टम पर काम करती है, और यह मेडिसिन हमारी लॉन्ग टाइम चलती है, या ये कहें कि लाइफ टाइम के लिए चलती हैं। इन मेडिसिन की जो डोज होती है ट्रांसप्लांट के जस्ट बाद थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, और जैसे जैसे ट्रांसप्लांट का टाइम बढ़ता है 3, 4, 6 महीने का जब होता है, तो धीरे धीरे करके साल के बाद में आपकी जो मेडिसिन है तो उनकी जो डोजेज है वो कम होती चली जाती है, और कुछ टाइम बाद में एक नॉर्मल डोज के ऊपर आप आ जाते हैं। लेकिन ये मेडिसिन जो है इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन है के ग्रुप से ये आती है, तो यह हमारी लाइफ टाइम कहें या फिर लॉन्ग टाइम के लिए कहें कि ये चलती है। तो इन्हें जो हमें स्टार्टिंग के अंदर जो टाइम सिलेक्ट करते हैं उसी टाइम के हिसाब से यह मेडिसिन हमें लेनी होती है। अगर मॉर्निंग के अंदर हम अगर हमारा टाइम सेट करते हैं 9 AM, तो इवनिंग को हमें 9 PM पर ही यह मेडिसिन लेनी होती है। और टाइम टू टाइम इस मेडिसिन एक टेस्ट होता है जो टैक लेवल के नाम से हम बोलते हैं, ये हमें करवाना होता है। जो फर्स्ट मेडिसिन हमारी है टैक्रोल्यूमस, ये उसके लिए होता है, और यह मेडिसिन इस लेवल जो टेस्ट होता है उसके जो रिजल्ट हमें मिलता है लैब से, उसी के हिसाब से इसकी डोजेज सिलेक्ट होती है कि आपको कितना ग्राम की यह मेडिसिन लेनी होती है। आपके डॉक्टर इसको लेवल के हिसाब से जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से आपके बॉडी के हिसाब से सेट करके आपको देते हैं। तो हमें खास तौर पर यह मेडिसिन का ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि टाइम टू टाइम ले, कोई भी टाइम आप स्किप नहीं कर सकते और नहीं करना होता है। अगर किसी टाइम आपसे यह मेडिसिन स्किप हो जाती है तो आपको अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना होता है कि यह मेडिसिन इतना टाइम मैं भूल चुका हूँ, 1 घंटा या 2 घंटा जैसे भी आपको बीतते हैं, तो उसको उसी टाइम पे लेनी है या फिर उसको स्किप करके नेक्स्ट डोज आपकी बनती है तो उसके साथ कैसे कंपेयर करना है वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि इसका अभी क्या रहने वाला है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो भी डॉक्टर आपको हिदायतें देते हैं उनको फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पिएं, और घर का जो बना हुआ खाना है ताज़ा खाना खाएं, और डिब्बा बंद और डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं उनको अवॉइड करना होता है। और अगर कोई आपसे ट्रांसप्लांट के बाद आपसे मिलने के लिए आता है तो आप जब भी उनसे मिलते हैं तो एक सुनिश्चित दूरी बनाकर उनसे रखें, मास्क का प्रयोग करें, और हो सके तो मास्क का आप लंबे टाइम तक प्रयोग करें, जिससे कि हमारे वातावरण के अंदर जो बैक्टीरिया है वो आपकी बॉडी में प्रवेश ना कर सकें। क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद जो मेडिसिन हमारी चलती है उससे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी बॉडी की होती है वो डाउन हो जाती है। तो इसके डाउन होने से कोई भी अगर आपके वातावरण के अंदर इन्फेक्शन या बैक्टीरिया अगर आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो आपको इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, यहाँ तक कि आपको हल्के से हल्का सर्दी जुकाम या फ्लू बहुत जल्दी हो सकता है। और इसके अगर जुकाम सर्दी जुकाम या फिर फ्लू होता है तो उसका इन्फेक्शन आपके बॉडी को और आपके जो ट्रांसप्लांट किडनी है उसको प्रभावित, उसके कार्य प्रणाली को प्रभावित करेगा, और इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
तो ये छोटी छोटी कुछ सावधानियां हैं जिससे हमें अपने जीवन के अंदर और अपनी रूटीन के अंदर अगर हम ढाल लें तो आने वाला जो हमारा टाइम है वो बहुत ही सुनहरा और अच्छा रहने वाला है। और इसी के साथ मैं जल्द ही मिलूँगा आपसे एक और नए एक्सपीरियंस के साथ में, आपसे बात करूँगा। और तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।